गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ क्लास का चैप्टर नंबर 13, जिसका नेम क्या है हमारे पास, साउंड। तो आप सभी को पता है कि साउंड क्या होती है एंड साउंड हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आपको पता है अगर साउंड नहीं होती तो साउंड के बिना हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हमारे कम्युनिकेट करने का जो वे है वो हमारे पास क्या है, साउंड है। साउंड ही हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइक कम्युनिकेशन में। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी साउंड जो है वो लाउडर होती है, कैसे स्लो होती है। तो साउंड जो है वो हमारी जो डेली लाइफ में है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कैसे करती है एंड कैसे हम नंबर ऑफ टाइप के म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट देखते हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास साउंड आती है, वो कैसे आती है एंड क्यों आती है एंड क्यों वहां पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंट डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका जब स्कूल में कोई पीरियड ओवर हो जाता है, तो यू कम टू नो इजिली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक और यू हियर द साउंड ऑफ डोरबेल। तो जब आपके घर पर कोई आता है, डोर को नॉक करता है या डोरबेल को बजाता है, तो आप इजीली आपको वहां पर पता चल जाता है कि डोर पर कोई है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप। कई बार क्या होता है कि अगर हम शांत किसी इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं तो किसी की फुटस्टेप की आवाज, मतलब पैरों की आवाज से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड ए गेम, आपने एक बचपन में एक गेम तो खेला ही होगा, सभी ने हाइड एंड सीक अभी भी खेलते होंगे। इस गेम में हम क्या करते हैं, इन दिस गेम ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। एक जो हमारे पास पर्सन होता है उसकी हम आंखों पर क्या कर देते हैं, पट्टी बांध देते हैं एंड वो फिर भी क्या करता है, रिमेनिंग प्लेयर्स को सर्च कर लेता है, कैसे वहां पर पॉसिबल हो पाता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर, मतलब कि कौन सा प्लेयर उसके पास में है वो उनकी साउंड से उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। तो वहां पर मेन हमारा क्या है कि साउंड ही है जिससे हम अनदर पर्सन को वहां पर रिकॉग्नाइज, पहचान पाते हैं। साउंड प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ में साउंड का वहां पर इम्पोर्टेंट रोल है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, इसी से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग, हम अपने चारों तरफ नंबर ऑफ टाइप की साउंड सुनते हैं, ठीक है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन यूर सराउंडिंग, तो आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है कि किस किस टाइप की आप जो साउंड है वो आप अपने सराउंडिंग में सुनते हो। इन म्यूजिक रूम ऑफ यूर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके स्कूल में जो म्यूजिक रूम है वहां से आपको नंबर ऑफ टाइप की वहां पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं नंबर ऑफ टाइप के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है। हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस, तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करती है। हाउ डू वी हियर साउंड, हमें साउंड कैसे सुनती है, तो वाई आर द सम साउंड लाउडर देन द अदर, एंड क्यों हमारे पास कुछ साउंड क्या होती है, लाउडर होती है एज कम्पेयर टू अदर। तो वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आपको क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें म्यूजिक के नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिवन है, लाइक तबला है, सितार है, फ्लूट है, हारमोनियम है। तो ये जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनसे नंबर ऑफ टाइप की हमें साउंड सुनाई देती है। नाउ स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि जो साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो कैसे वहां पर प्रोड्यूस होती है। अभी तक इन क्वेश्चंस के हमारे पास आंसर नहीं है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। टू टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज एंड व्हाट डू यू फील एंड अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। तो हमें क्या करना है, हमारी जो स्कूल की बेल है
है उसे टच करना है बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि हमें पहले उसे टच करना है जब वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, एंड जब वो साउंड प्रोड्यूस करती है उसके बाद वहां पर उसे टच करना है। तो हम वहां पर क्या अनुभव करते हैं, तो वहां पर जो है हमें वहां पर कुछ वाइब्रेशंस की हमें फीलिंग आती है कि कुछ वाइब्रेट वहां पर करता है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर हमें इस एक्टिविटी की हेल्प से। तो इसमें हमें क्या करना है, टेक ए मेटल प्लेट, हमें एक मेटल की प्लेट को लेना है एंड उस मेटल की प्लेट को हमें इस टाइप से रखना है एंड हमें यहाँ पर एक छड़ी से इसको स्टिक से यहाँ पर इसको स्ट्राइक करना है। तो हम क्या, हम पहले इसे टच करते हैं एंड बाद में हमें इसे टच करना है और देखना है कि यहाँ पर हमें क्या प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हम इस फिंगर से इसे टच करते हैं मतलब कि स्ट्राइक करने के बाद में, तो हमें यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन की फीलिंग आती है। फिर हम अगेन क्या करते हैं, स्ट्राइक द प्लेट विद स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड। तो इमीडिएटली वहां पर क्या होता है, जब हम उसे स्ट्राइक करते हैं तो डू यू स्टिल हियरिंग साउंड, तो वहां पर आपको क्या है, साउंड भी सुनाई देती है एंड साथ में वहां पर आपको वाइब्रेशन की भी फीलिंग आती है जिससे कि वो बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अगेन हमें यहाँ पर वाइब्रेशन को ही देखने के लिए हमें यहाँ पर सेकेंड एक्टिविटी गिवन है, जिसको आप अगेन इस एक्टिविटी को आप घर पर ट्राई कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या क्या लेना है, इसके लिए हमें एक रबड़ बैंड लेना है एंड पुट इट अराउंड द लोंगर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, हमें एक पेंसिल का बॉक्स लेना है या हमारा स्केल भी हो सकता है। तो स्केल के सराउंडिंग में हम क्या कर देते हैं, रबड़ बैंड को इसके सराउंडिंग में ले आते हैं एंड रबड़ बैंड को हम क्या करते हैं वहां पर स्ट्रेच करते हैं। जैसे ही उसे स्ट्रेच करते हैं एंड छोड़ देते हैं प्लग द रबड़ बैंड समवेयर इन द मिडल, डू यू हियर द साउंड, तो जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो हमें वहां पर एक साउंड सुनाई देती है। वही साउंड हमारे पास क्या होती है, वो वाइब्रेशन के कारण ही हमें वो साउंड सुनाई देती है। तो एज यू लर्न इन क्लास सेवन में आपने कुछ रीड किया था, वो क्या था, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर से उधर जाता है, जैसे कि हम पेंडुलम की बात करते हैं कि जैसे इधर से उधर हमारा ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या बैक एंड फोर्थ मतलब इधर उधर जाता है या फिर आगे पीछे जाता है। तो फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसी अगर मोशन होती है ऑब्जेक्ट में तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लक्ड, मतलब उसको पकड़कर छोड़ा जाता है तो इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस करता है साउंड, जैसे हम उसे छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेट भी होता है एंड साउंड को भी प्रोड्यूस करता है। When it stop vibrating, जब ये vibrate करना stop कर देता है, it does not produce any sound. That means जब ये vibrate करता है तभी हमें sound सुनाई देती है, जब ये vibrate करना बंद कर देता है तो हमें sound आने भी बंद हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एक और activity है जिसके वजह से हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास जो vibration होती है वो क्या होती है। तो take a metal dish, इसके लिए हमें एक metal की dish लेनी है, उसके अंदर पानी भरना है, ठीक है। पानी भरने के बाद जब हम उसे रख देते हैं तो इस टाइप से वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ही हम उसे पानी की भरकर यहाँ पर रखते हैं तो जैसे ही हम एक स्पून से उसे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पर हमें वेव प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है, मतलब कि पानी हिलता है और वहां पर वेव हमें एक सर्कुलर टाइप की मोशन सी दिखाई देती है। तो वो भी हमारे पास क्या होती है, वो भी हमारे पास वाइब्रेशन होती है। तो वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। इन सम केस, कुछ केस में क्या होता है, द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल, कुछ केस में हम वाइब्रेशन को इजीली देख पाते हैं लेकिन कुछ केस में हम नहीं देख पाते, तो उसका रीजन क्या है, बट इन मोस्ट ऑफ द केस दे आर एम्पलीट्यूड, उनकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, स्मॉल होती है, दैट वी कांट सी, जिसको हम नहीं देख पाते। तो हाउ एवर वी कैन फील देम, हम उनको सिर्फ फील कर पाते हैं और वो किसकी वजह से फील कर पाते हैं, जो उनमें वाइब्रेशन होती है। हमें यहाँ पर एक और एक्टिविटी गिवन है 13.4, उसके लिए हमें क्या करना है, एक तारा तो सभी ने देखा होगा, एक तारा हमें यहाँ पर नारियल के खोल की हेल्प से मतलब कोकोनट सेल की हेल्प से एक तारा बनाने की यहाँ पर कोशिश करनी है, ट्राई करते हैं। तो जब हम यहाँ पर एक थ्रेड लगा देते हैं एंड अपर से इसे हम यहाँ पर मतलब कि थ्रेड की हेल्प से इसे यहाँ पर घुमाते हैं, तो वहां पर भी क्या है, इस थ्रेड के अंदर जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एंड वाइब्रेशन से क्या है, हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग
पार्ट्स, मतलब उनकी किस पार्ट से किस टाइप की वाइब्रेशन एंड प्रोड्यूस होती है उसकी हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट में कुछ एक हमें यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, लाइक वीना है, वीना से मतलब कि हम वहां पर उसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट तो हमारे पास ये है, तो उसका क्या होता है स्ट्रेचिंग रिंग, मतलब जैसे ही हम उसके थ्रेड को वहां पर खींचते हैं तो हमारे पास वहां पर क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होती है। तबला है, तबला से हम क्या करते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन, तबला ऐसे होता है हमारा एक, मतलब उसकी तरफ से उस पर एक कपड़ा लगा होता है जिससे हम उस पर प्रेस करते हैं तो तब वहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लूट है, फ्लूट से क्या होता है एयर कोलम, मतलब उसके अंदर हवा, जैसे पेंसिल की तरह अगर पेंसिल के अंदर होल कर दिया जाए तो ये हमारा काम करती है एज ए फ्लूट की तरह, तो उसमें क्या है एयर की वजह से वहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है, वही उसका क्या है वाइब्रेटिंग पार्ट है। अगर हम ड्रम की बात करते हैं तो ड्रम में भी हमारे पास सिमिलर स्ट्रेस जो मेम्ब्रेन है उसी तरह हमारे पास साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। सितार में भी सेम हमारे पास यहाँ पर होता है कि वहां पर भी हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग लगे होते हैं जिसकी वजह से हमें वहां पर साउंड सुनाई देती है। तो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन दैट मंजीरा, मंजीरा मतलब सभी ने देखा होगा, एंड द घटम एंड द नोट्स जिसको हम मड पोर्ट्स बोलते हैं एंड खरताल, खरताल तो सभी ने सुनी होगी। तो उनके अंदर क्या है ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है किसके साउंड प्रोड्यूस करने के। दीज इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ये एक कंट्री में नहीं कंट्री के डिफरेंट पार्ट में यूज किए जाते हैं। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन या फिर स्ट्रक से हम इन्हें साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, यू कैन मेक ए मतलब मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप घर पर भी इन्हें ट्राई कर सकते हो। लाइक यहाँ पर हमें एक पोट गिवन है, एक पोट गिवन है जिसके से हमने अगर हम उस पर स्ट्राइक करते हैं बीटन करते हैं तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ये हमारे पास क्या है मिंजार है। और खरताल कैसी होती है ऐसे हाथ में हम उसे रखते हैं एंड उससे भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक और एक्टिविटी गिवन है, तो स्टूडेंट यहाँ ये जो हमारा साउंड जो चैप्टर है ये हमें समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, इसीलिए इस चैप्टर में हमें नंबर ऑफ एक्टिविटी गिवन है एंड उसी की वजह से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस टाइप से हमें साउंड सुनाई देती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो बाउल्स लेने हैं 6 to 8 या फिर टम्बलर लेने हैं और उनके अंदर हमें पानी फिल करना है। तो हम जैसे ही उसके अंदर पानी फिल करते हैं तो यहाँ पर सबसे लेस है, देन इंक्रीज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसे अमाउंट में हम उसे इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्पून लेनी है और स्पून से इन सभी को ऐसे ऐसे मतलब इनको स्ट्राइक करना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें पानी में अलग अलग सी वेव दिखाई देती है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम जल तरंग बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम जल तरंग बोलते हैं। ये पानी में बनती है इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं जल तरंग बोलते हैं। तो व्हेन वी प्लक द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक किसी सितार की, तो साउंड दैट वी हियर इज Not only that the string, वो सिर्फ string की ही वहां पर sound नहीं होती, the whole instrument is forced to vibrate and it is the sound of the vibration of the instrument। तो वो सिर्फ वहां पर उस string की vibration नहीं होती, उसी से हमें sound सुनाई नहीं देती, बल्कि उस पूरे instrument के force करने से हमें sound वहां पर सुनाई देती है। Similarly, when we strike the membrane of a मृदंगम, तो उसमें हमें क्या होता है कि द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन, वो सिर्फ मेम्ब्रेन की ही साउंड हमारे पास नहीं होती बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की हमारे पास वहां पर साउंड होती है। तो हम अब पहुंचने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिससे कि हमें क्या है सुनाई हमें जो साउंड है वो सुनाई देती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस किया कि उनमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ टाइप की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स होते हैं हम ह्यूमन्स बींग्स हैं, मतलब वो साउंड वहां पर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी जो साउंड है वो सभी एनिमल्स और बर्ड्स से है डिफरेंट है। तो स्पीक लाउडली फॉर वाइल ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग, मतलब कि हमें यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस करनी है, मतलब ये भी हमारी एक एक्टिविटी है लाइक या फिर बज लाइक ए बी। पुट योर हैंड, हम अपने थ्रोट पर अपने गले पर जैसे ही हाथ रखते हैं तो डू यू फील एनी वाइब्रेशन, तो जैसे ही हम बोलते हैं तो हमें हमारे गले पर क्या है वहां पर कुछ वाइब्रेशन फील होती है। इन ह्यूमंस में द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लिरिंक्स, तो ह्यूमन बींग्स में जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है कहाँ से, वॉइस बॉक्स से और लिरिंक्स से। तो पुट यूर फिंगर ऑन यूर
थ्रोट, हमें अपने थ्रोट पर फिंगर को रखना है, एंड फाइंड ए हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो, एंड हमें उसे फील करना है, मतलब कि जैसे हम पानी को मतलब खाना खाते हैं तो वहां पर उसको हमें फील करना है, वो उभरन हुआ उभरन जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है विंड पाइप के पास वो हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये हमारी जो विंड पाइप होती है उसके अपर वाला पार्ट होता है। टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लिरिंग्स इन सच ए वे दैट इट लीव ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। तो इस टाइप से हमारे पास ये होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है और इसका इनर जो पार्ट है वो हमारे पास इस टाइप से होता है। तो इसकी जो ये दो है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रेच थिन मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन है, एंड ये जो स्पेस है ये हमारा एयर के लिए है। एयर हमारे अंदर जाती है तभी हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर एयर ना जाए तो हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये है हमारा वॉइस बॉक्स। When the lungs, जब हमारे lungs force air through the slit, अब इस slit में से जैसे ही air अंदर जाती है तो vocal cord vibrate, अब ये जो है हमारे पास, ये हमारी क्या है, vocal cord, ये हमारे पास क्या है, vocal cord, तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, vocal cord produce करती है sound। अब कैसे, अब यहाँ पे ये मसल से यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है, तो मसल अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड, मसल क्या है, इनसे अटैच्ड है, एंड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूजन, मतलब कि वो टाइट करके रखती है एंड लूज करती है, इन्हीं मसल्स की हेल्प से हम बोल पाते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन, जब वो हमारे पास क्या होती है, टाइट और थिन होती है, ठीक है, तो द टाइप और क्वालिटी ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट, मतलब कि दो टाइप का है, एक तो हमारे पास टाइट एंड थिन हो, दूसरी हमारे पास वहां पे क्या है, लूज और थिक होती है, तो हमें हमारी वहां पर डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। When they are loosen and thick, तो let us see how the vocal cord function, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे जो vocal cord का function है वो क्या है। तो उससे पहले हम यहाँ पर करते हैं activity 13.6, ये हमारी 6th activity है इस chapter की। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दो rubber band लेने हैं और उनको इस type से पकड़ना है। तो जैसे ही, जैसे कि हम यहाँ पर कोई पेपर भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता है बचपन में आप करते हो, अभी भी करते हो कि आपने दो पेपर लिए और उन पे आप क्या करते हो, साउंड को वहां पर जैसे ही एयर को ब्लो करते हो तो वहां पर आपकी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है इस टाइप से, जिसे हम पटाखा बोलते हैं, तो इस टाइप से आप साउंड प्रोड्यूस करते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, द वोकल कॉर्ड, अब हमें क्या याद रखना है कि वोकल कॉर्ड इन मैन, मैन के अंदर जो वोकल कॉर्ड होती है वो हमारे पास क्या होती है, 20 mm लॉन्ग होती है। मैन में जो वोकल कॉर्ड होती है वो 20 mm लॉन्ग होती है, लेकिन इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm शॉर्टन, मतलब कि मैन में अगर 20 mm है तो वुमेन में क्या है, 15 mm, वुमेन में कितनी होती है, 15 mm लेंथ होती है वोकल कॉर्ड की, क्योंकि मैन में जो होती है वो वुमेन से 5 इंक्रीज होती है और वुमेन में 5 लेस होती है, 5 कम होती है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे वुमेन में कितनी मिलेगी, 15। तो चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, तो अब आपको समझ आया होगा कि इस वोकल कॉर्ड की लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी जो साउंड है वो डिफरेंट होती है, मैन की डिफरेंट होती है, वुमेन की डिफरेंट होती है, एंड चिल्ड्रन की डिफरेंट होती है। तो दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट अब आपको पता चला होगा कि हमारी जो है वो बच्चों की हमारी साउंड डिफरेंट होती है, अडल्ट्स की डिफरेंट होती है, एंड वुमेन की डिफरेंट होती है, तो उसके पीछे हमारा क्या रीजन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साउंड नीड ए मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन क्या होता है कि साउंड, जैसे अगर हम चलते हैं तो हमें चलने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमारे पांव की रिक्वायरमेंट है, तो साउंड को सुनने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें साउंड को सुनने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या साउंड अगर किसी बॉक्स में एयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या वहां पर वो ट्रेवल कर सकती है, क्या हमें सुनाई दे सकता है। तो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, अगर वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर ही
खड़ा है, तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन वो अगर बहुत दूर है, अगर हमारी साउंड को सुन ही नहीं पा रहा, तो वो कैसे हमारी साउंड को सुन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास है एक्टिविटी 13.7। एक्टिविटी 13.7 में हमें क्या करना है, हमें एक टम्बलर लेना है या ग्लास लेना है, उसमें हम अपने फोन को रख देंगे एंड उस फोन को ओपन, मतलब इस ग्लास को ओपन छोड़ देते हैं एंड अपने फ्रेंड को कहते हैं कि इस पर रिंग करो। तो जैसे ही वो रिंग करता है हमें सुनाई देता है, लेकिन जब हम इस ग्लास को क्या कर देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं या अपने माउथ से क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल भी एयर नहीं जाने देते, अगर वो उस टाइम पे वहां पर रिंग करता है तो क्या हमें वहां पर साउंड सुनाई देती है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हम इस ग्लास को एयर टाइट यहाँ पर कर देते हैं तो उस टाइम पे हमें साउंड सुनाई नहीं देती। उस टाइम पे हमें, जब हमारा ग्लास एयर टाइट होता है तो हमें साउंड नहीं सुनाई देती, क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, अगर उस बॉक्स में से हम सारी एयर को बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है वैक्यूम। वो क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। तो उस वैक्यूम में से हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करती। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इट्स पॉसिबल दैट डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर, जैसे ही हम टम्बलर से एयर की अमाउंट कम कर देते हैं, जैसे ही हमने उसे एयर टाइट किया, तो हमें क्या होता है, हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। तो हमें वहां पर रिंग की जो है आवाज है वो कम सुनाई देती है। लाउडनेस क्या होती है, जो उसकी साउंड है वो कम सुनाई देती है। If you had been able to suck all the air in the tumbler, अगर आप वहां पर सारी एयर निकालने में, मतलब सारी एयर निकाल सकते हो टम्बलर की, तो द साउंड वुड स्टॉप कम्प्लीटली। तो साउंड क्या है, कम्प्लीटली हमें सुनाई देनी बंद कर जाएगी। एक्चुअली में क्या होता है कि साउंड नीड से मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को क्या है, एक मीडियम की वहां पर नीड होती है, और वो मीडियम हमारे पास क्या होता है, वो मीडियम हमारे पास होता है एयर। कि साउंड को जब तक एयर मिलेगी वो ट्रेवल करेगी, हमें सुनाई देगा। वेन एयर हैज बिन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल इट इज कोल्ड, देयर इज वैक्यूम इन द वेसल, की वेसल के अंदर क्या है, वैक्यूम है। तो द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में से सारी एयर को बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वैक्यूम। तो डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, अब हमने क्या देखा कि साउंड जो है हमारी, मतलब कि एयर में से तो ट्रेवल कर सकती है, तो क्या हम, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि क्या हमारी जो साउंड है वो वाटर में से ट्रेवल करती है, लिक्विड में से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बकेट लेते हैं, बकेट में हम क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं। तो पानी भरने के बाद जैसे ही हम उसमें बैल रखते हैं, एंड उसे वहां पर मतलब हिलाते हैं, तो हमें क्या है, वहां पर साउंड सुनाई देती है। तो दैट मीन्स साउंड क्या है, साउंड ट्रेवल इन लिक्विड। तो यस, साउंड कैन ट्रेवल इन लिक्विड, साउंड जो है वो लिक्विड में से ट्रेवल कर सकती है। जो डॉल्फिन जो हमारे पास व्हेल्स होती है, तो उनके जो कम्युनिकेट करने की जो साउंड होती है, मतलब वो भी तो उसमें, मतलब कि साउंड मतलब प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उनको, मतलब उनको भी तो सुनाई देता है। इसीलिए लिक्विड में क्या है, साउंड ट्रेवल कर सकती है। सबसे पहले हमने एयर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने लिक्विड को डिस्कस किया, अब हमारे पास क्या है, हम यही चेक कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, लेट अस फाइंड इफ द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या साउंड हमारे पास सॉलिड में से भी ट्रेवल करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रोड को लेना है एंड उसको ऐसे पकड़ना है, हमने एक रोड को लिया एंड ऐसे उसे पकड़ना है। तो जैसे ही हम इस पर स्ट्राइक करते हैं तो हमें यहाँ पर साउंड सुनाई देती है। तो जैसे हम इस पर स्ट्राइक करते हैं यहाँ पर, तो हमें साउंड वहां पर सुनाई देती है। तो दैट मीन्स साउंड जो है हमारे पास वो सॉलिड में से भी ट्रेवल करती है। सबसे पहले हमने एयर में, देन लिक्विड में से, तो सॉलिड में से भी वो ट्रेवल करती है। तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग यूर एयर वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन और ए मेटालिक टेबल एंड आस्किंग यूअर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ। तो जैसे ही हम इस एंड पर स्क्रैच करते हैं, तो अगर हम ईयर यहाँ पर ऐसे रखते हैं तो हमें वहां पर साउंड सुनाई देती है। तो इसका मतलब हमारे पास सोलिड में से भी हमारी साउंड क्या करती है, ट्रेवल करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, मतलब हमने ये फाइंड किया, इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सोलिड। तो यू कैन
कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू सो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग। हमें यहाँ से ये चेक करेंगे कि क्या हमारे स्ट्रिंग से भी साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हैव यू एवर मेड इट टू आर टेलीफोन, बनाया होगा आपने, यू कैन यू से दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, जब ये हम टॉयज वाला जो टेलीफोन बनाते हैं तो इससे भी हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देती है। तो वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ से क्या लर्न किया कि वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम, सभी डायरेक्शन में एंड सभी मीडियम में। हाउ डू वी हियर, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे सुनाई देता है, हाउ डू वी हियर, हमारे ईयर से हमें कैसे सुनाई देता है। तो स्टूडेंट आई होप अभी तक हमारा ये हाफ लेसन कवर हुआ है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो ये हमारा था पार्ट वन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, कि हम अपने ईयर से साउंड को कैसे सुनते हैं, उसकी जो हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या है, कैसे हम अपने ईयर से साउंड को सुनते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।